हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए यू वर्सेस देम एंड नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या करेंगे अभी इस रिलेशनशिप के लिए, वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं आगे इन अ नियर फ्यूचर। ये देखिए, आपके सामने दो पाइल्स रखी हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर किसी को नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, देखिए कहीं पे आपने लिखा ही होगा जो आप फॉलो करते होंगे, आपके लाइसेंस पे या आपके डॉक्यूमेंट पे, लीगल डॉक्यूमेंट पे जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है, आप उस अकॉर्डिंग ही देखिएगा फिर, अगर आप नहीं जानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यह है पाइल वन, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 31। इसमें से अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये वाली पाइल चूज करेंगे अपने लिए। और यहाँ पे है पाइल नंबर टू, नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, देखिए मैं इस वक्त पेंडुलम हीलिंग वर्कशॉप लेके आ रही हूं 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर। ये 3 दिन के लिए रहेगी ये वर्कशॉप। आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप रीना से बात करके उनसे डिटेल ले लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। लास्ट डेट है 31 अगस्त, उससे पहले पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये देखिए ईजिएस्ट वे होता है सेल्फ हीलिंग का, दूसरों की हीलिंग करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कोड कट कैसे करना है, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल बता देती हूँ कि इसमें मैं आपको 3 दिन में क्या क्या सिखाने वाली हूँ। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। देखिए, जो भी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे ही आप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिए। कॉल करने पे देखिए कोई भी अटेंड नहीं करेगा, मैं बहुत बार मना करती हूँ, जो कॉल करते हैं उनको देखिए आंसर नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर मिले, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारा दिन कॉल अटेंड करके उनको वही चीज़ें बताऊं जो मुझे व्हाट्सएप पे उनको रिटर्न में हिंदी और इंग्लिश में बता देनी है। उसके बाद उनको ही चूज़ करना होता है आप सबको कि आपको कितना टाइम चाहिए, अपने टाइम के हिसाब से आप अपना सेशन ले लेते हैं। इस तरह से आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट की बुकिंग होती है। कोई कोर्स करना चाहते हैं, टैरो से रिलेटेड एंजल कोर्स है, और रेकी सीखना चाहते हैं 1-to-1, देखिए अभी आपको मिलेगी सर्विस। वर्कशॉप तो मैं टाइम टू टाइम लेके आती हूँ, अगर आप वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो आप वेट किया कीजिए कि मैं यूट्यूब पे अनाउंस करूँ, और आप फिर तब रजिस्ट्रेशन करवा लिया कीजिए अपना। अभी 1-to-1 कोर्स है, आप उनकी डिटेल लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, यस आप ये कभी भी सीख सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है और उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। मैं पाइल वन से स्टार्ट करूंगी आपकी रीडिंग। पाइल वन वालों के लिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है, आपकी भी एनर्जी देखेंगे और आपके पर्सन की भी एनर्जी बताऊंगी कि इस वक्त करंट स्टेटस क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ आपकी तरफ से, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। द वर्ल्ड, देखिए ये तो समझ में आता है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, दुआएं मांगते हैं भगवान को कि आपको ये पर्सन मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि आपके लिए शायद नहीं, डेफिनेटली आपके लिए ये पर्सन सब कुछ है। इस वक्त आप प्रे कर रहे हो अपने पर्सन के लिए कि आपकी ये विश पूरी हो जाए, वो आपके हो जाए, आप ये चाहते हैं। बहुत से लोगों की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है,
हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड से थोड़ा अलग रह रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आपके और आपके हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे आपके पार्टनर के साथ। जिनके भी फैमिली इश्यूज हैं अपने पार्टनर के साथ, तो अभी शायद वो प्रे कर रहे हैं भगवान को कि उनका ये रिश्ता बना रहे, भगवान उनके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट रखें। मुझे ऐसी सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। आप एक मदर हो, मदर फिगर मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। एक बार मैं आपके पार्टनर की भी देख लेती हूँ सिचुएशन क्या है। सेवन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, फियर भी है, कुछ लोग भी मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिन्होंने आपके पर्सन को कंफ्यूज कर दिया है कि वो आपके साथ आपके लिए डिसीजन ना ले पाए। इस वक्त ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और की ज़्यादा सुन रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि मैं करूं तो करूं क्या, स्ट्रेस में है उनको ना इस वक्त, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन को। उनको लग रहा है कि इस रिलेशन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक परेशानियां होती रहती हैं, ऐसा सोच रहे हैं इस वक्त। उनको अच्छा नहीं लग रहा है, काफी स्ट्रेस, उनकी हेल्थ भी मुझे दिख रहा है कि अंदर से डाउन है, मेंटली डिस्टर्ब है आपके पार्टनर। उन्होंने बहुत कंट्रोल रखा हुआ है ऐसे सिचुएशन में, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में उनको डाल दिया गया है। वो खुद कंफ्यूज रहते हैं इसलिए हो गए हैं, या फिर उन्होंने उनको दूसरों ने इस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर दिया है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गए हैं और उनको इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, बट वो इस वक्त ना सब्र रखना चाहते हैं कि अभी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, सोचने समझने का टाइम चाहिए, और काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है। और ना उनको अंदर से देखिए इमोशनली ड्रेन्ड आपके पार्टनर भी हैं, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, स्ट्रेस भी है दिल से भी, अगर मैं बोलूँ ना इमोशनली भी उनको तकलीफ़ हो रही है, और उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ है। और ये ऐसा है कि हाँ फीलिंग्स तो हैं आपके साथ, और इस रिलेशन में जब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, उनको भी तकलीफ़ हो रही है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही क्यों नहीं चल रहा है। अभी आपको आपके पर्सन के लिए तो देखिए पेशेंस की ही गाइडेंस आ रही है, उनको तो पेशेंस ही रखना है। और आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इस रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, देखिए वो करते रहें, बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी आप इस रिलेशन को बचाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि ये आप दोनों एक साथ ऐसे ही बने रहें। बट आपके पर्सन इस वक्त नॉन एक्शन में है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं। अभी मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या करेंगे नेक्स्ट। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टू ऑफ वॉन्ट्स, कोई चीज़ बीच में है आप दोनों के जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है, और नेक्स्ट एक्शन में भी मैं देख रही हूँ उसका इन्वॉल्वमेंट तब भी रहेगा पूरी तरह से। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये सब कुछ भी हो रहा है, वो अभी थर्ड पार्टी है बीच में रहेगी, वो दूर होने वाली इस वक्त नहीं है, रीसेंट फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, कुछ दिनों की। अभी भी ये सिचुएशन आपकी बनी रहेगी, आपके पर्सन कभी आपके बारे में सोच रहे हैं, कभी उसके बारे में सोच रहे हैं, कभी आपके बारे में सोच रहे हैं कभी, बट पहले जैसे स्ट्रेस्ड हैं तो वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, वो आपको मिस कर रहे हैं, दूर से बैठ के याद कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि वो आगे क्या करने वाले हैं, दूर बैठ के बस पॉजिटिव रहेंगे और आप कोई मिस करेंगे ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं और क्या करने वाले हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए।
याद करने के अलावा, मिस करने के अलावा वो और क्या करने वाले हैं। द टावर, देखिए अभी ये जो दिक्कतें चल रही हैं ना, तो अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि बात ठीक से नहीं होगी। अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर को कुछ बोलेंगे भी, हो सकता है आपकी बातों का कुछ अलग मतलब निकाल लिया जाए। तो अभी ना अपने पार्टनर को थोड़ा सा ना स्पेस दो, यहाँ पे स्पेस देना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश करेंगे इस वक्त वो उतना दूर होंगे। तो आप थोड़ा सा ना उनको सोचने दो, उन्होंने टाइम लिया है अपने लिए, वो अपने दिमाग से चलना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मुझे सोचना है, जो कुछ भी करना है मुझे करना है, और वो सोच भी रहे हैं। बट अगर आप जाके उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो बात और बिगड़ेगी। यहाँ पे आपको अभी अपने ऊपर, बस अपनी दुआओं के ऊपर भरोसा रखना है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना है, बहुत ही जल्दी आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। ये पर्सन को एहसास तो होगा कि आप सही हो, इनको एहसास हो जाएगा, बट उसके बावजूद ना ये रिलेशन में थोड़ा सा कुछ देर की देख रही हूँ दूरियां बनी रहेंगी, क्योंकि उनको फिर गिल्ट भी होगा, उस गिल्ट की वजह से भी वो आपके पास उस तरह से नहीं आएंगे, वो अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे आपके सामने आके। उनको एहसास तो होगा बट वो कबूल नहीं करेंगे, ये उनके एक्शन में आ रहा है। तो अभी वो सेपरेट ही दिख रहा है कि आपको उनको अभी स्पेस ही देना चाहिए। स्पेस देने से देखिए क्लियर हो जाएगा, उनको एहसास हो जाएगा, आप परेशान ना रहें। आप जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो देखिए चीजें ठीक हो जाएंगी, कुछ टाइम बाद ठीक होंगी, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक हो जाएंगे। बट अभी स्पेस दो, उनको समझने दो, वो खुद सामने से आएंगे जब उनको एहसास होगा ना कि हाँ उन्होंने गलती की है। भले ही वो गलती आपके सामने नहीं मांगेगी, क्योंकि ये कार्ड आया है, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि उनको पता रहेगा कि हाँ उन्होंने गलती की है, बट आगे वो कन्फेस नहीं करेंगे आपके सामने कि उन्होंने गलती की है, और वो आपके साथ फिर से पैचअप करने की कोशिश करेंगे। और ये जब वो गलती नहीं मानेंगे तो इस वजह से आपको गुस्सा आएगा, तो आपको लगेगा कि आपको ही उनसे बात नहीं करनी, आपको ही उनसे रिलेशन नहीं रखना, ऐसा हो जाएगा आप दोनों के बीच में नेक्स्ट सिचुएशन। बट यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको घूमने की बात कर रहे हैं, और उनको अंदर से रहेगा कि नहीं मुझे ये रिश्ता ठीक करना है। आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आने के बाद भी खुल के नहीं बोलेंगे अपनी बात, बट उनको याद आएगी इस वजह से वो वापस तो ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में, उनको एहसास होगा। और देखिए आपकी शादी बनी रहेगी, आप हस्बैंड वाइफ के लिए अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे दिख रहा है हनीमून और शादी का भी कार्ड है, जिन्होंने भी पाइल वन चूज़ किया है, आप दोनों के रिलेशन आगे जाके ठीक हो जाएंगे, जैसे कि 2-3 महीनों में। अभी जो स्ट्रगल है एक महीने में, तो देखिए इतना ही स्ट्रगल दिख रहा है, एक महीने में ना वो कुछ पॉजिटिव एक्शन आपके लिए नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ उनको सब आ जाएगा इस एक महीने में, समझ उनको सब कुछ आ जाएगा कि हाँ आप उनके लिए अच्छे हो, कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, आप वैसे नहीं थे। बट उनको शर्म आएगी कि पहले उनको, उन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, और जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा उनको समझ में आएगा, बट वो खुल के बोलेंगे नहीं। बट आपकी शादी और वो आपको देखिए ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर देंगे, बिना गलती के ही वो बोलेंगे, बिना गलती माने बोलेंगे चलो सब कुछ ख़त्म करते हैं, जो हुआ सो हुआ, सॉरी नहीं बोलेंगे, आपको घुमाने ले के जाने की बात करेंगे, और आपके साथ शादी का प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, हम दोनों एक हो जाते हैं, ऐसा प्रपोजल वो आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर 1 मंथ। तो ये है रीडिंग पाइल वन वालों के लिए। होप गाइज आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं पाइल टू वालों के लिए रीडिंग कर लेती हूँ। पाइल टू के लिए देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
चलिए, अब मैंने कार्ड कर लिया शफल। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ, इस रिलेशन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। देखिए, मुझे तो दिख रहा है कि आपका फोकस ना अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा है। पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, अर्थ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है टॉरस कैप्रिकॉर्न वीर्गो है, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने करियर के ऊपर ही फोकस्ड है, और ना आपकी ये रिलेशनशिप काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी स्लो मूवमेंट हो रही है। तो इसलिए अब जैसा कि पास्ट में आप थक गए हो, किसी का इंतज़ार करते करते कई बार जैसे थक जाते हैं, अब बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं अपना करियर, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, अब आपका फोकस्ड आपके करियर के ऊपर ज़्यादा हो गया है, आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी अब बदल गई है। जिन्होंने भी पाइल टू चूज किया है, आप अपना सोल पर्पस के बारे में सोचते हो, अब अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचते हो, अब अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो ज़्यादा, और सेल्फ लव के बारे में सोचते हो। सेल्फ केयर मुझे दिखाई दे रही है, ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये सब कुछ जो भी आपके अंदर चेंजेस हुए हैं, ये यकीनन आपके पार्टनर की वजह से ही हुए होंगे। आज अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दे रहे हो, प्रैक्टिकल ज्यादा सोचने लगे हो आप, जैसे कि आपने जो भी स्ट्रगल इस रिलेशन में, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। मैं आपके पार्टनर के लिए देखती हूँ कि वो इस वक्त इस रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, सोच रहे हैं मिलने के बारे में। क्योंकि आप जितना डिटैच हो रहे हो ना, मुझे आपके पर्सन की तरफ ऐसा दिख रहा है कि अब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे तो आपकी आपके साथ ही रहना है। आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, वो जहाँ पे भी हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं ना, ये उस वजह से भी उनको तकलीफ हो रही है। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन दिनों आपको, स्टॉक कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे, ऐसा भी पॉसिबल है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। पूरी तरह से देखिए, आपके पर्सन ना अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं। अगर आपसे उनके साथ बात हो रही है ना आपसे, तो वो दिखा नहीं रहे होंगे कि हाँ उनको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा, उनको तकलीफ हो रही है, वो दिखा नहीं रहे हैं। अपने आप को पूरा बैलेंस्ड दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उनको कोई पेन नहीं हो रहा, उनको जीना आता है, वो आपके बिना रह सकते हैं, शो ऑफ यही कर रहे हैं आपके सामने, बट अंदर से वो दुखी हैं। उनका मन हो रहा है कि ये सारी जंजीरें तोड़ के आपके पास आ जाएं, बट कुछ मजबूरियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही वो अपनी तकलीफ़ को आपको दिखा रहे हैं कि हाँ उनको आपकी याद आ रही है, वो आपके बिना जी नहीं पा रहे। देखो, कुछ केसेस में तो मुझे पता है कि आपके पार्टनर खुल के बोल देंगे, बट कुछ केसेस में ऐसा भी है कि वो खुल के बोल नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम उनको हो रही है, बट वो बताना नहीं चाहते हैं कि हाँ वो आपके बिना नहीं रह सकते। उनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर वो सामने से आके ऐसा बोल देंगे, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और उनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप बदले हो, प्रैक्टिकल हुए हैं, तो वो भी चीज़ें वो देख के भी उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको रिजेक्शन से भी डर लगता है अब, कि अब मैं अगर इनकी लाइफ में जाता हूँ या कुछ बोलता हूँ, ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देगी, तो उनका ईगो हर्ट हो रहा है यहाँ पे। ये सिचुएशन मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है। अगर यहाँ तक रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है, बिल्कुल बने रहिए, मैं आगे आपकी रीडिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, ये पर्सन क्या करेगा इस रिलेशन के लिए, क्या कोई इस रिश्ते को पहचानने की कोशिश करेंगे या कुछ कन्फेस करेंगे, क्या होगा आंसर, मैं एंजल से ही मांगती हूँ कि वो मुझे बताएं इस रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे।
ये पर्सन इन द सेंस आपके पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच के मेरी ये वीडियो देख रहे हो, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल, देखिए ऑफर तो दिख रहा है, नई शुरुआत, नया प्रपोजल, कोई गिफ्ट देते हुए मुझे वो नज़र आ रहे हैं, आपको कोई वो गिफ्ट देने वाले हैं, कुछ कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, एक बार और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, ये प्रयास मुझे आपके पर्सन की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल एक एक्शन कार्ड ही मैं समझती हूँ कि ये पर्सन नई शुरुआत का ऑफर देगा, एक न्यू प्रपोजल आपको देंगे, कोई जॉब बोल सकते हैं कि मेरे साथ करो, कोई बिजनेस बोल सकते हैं कि मेरे साथ करो, ऐसा कोई प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है और वो बहुत ही जल्दी आपको बताने वाले हैं। और क्या करेंगे देखते हैं, और ये पर्सन क्या करेंगे इस रिलेशन में। देखिए अभी आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन बंद हो गया है, दोबारा से बात कम्युनिकेशन आपका इस पर्सन के साथ होगा। एट ऑफ कप्स, लेकिन तब तक देखो आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि जब ये पर्सन आके आपको प्रपोजल दे रहे हैं, आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको इनसे, क्योंकि आप जिस ट्रैक पे अभी हो, मीन्स आप ना खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि ये अभी दोबारा से आना चाह रहे हैं मेरी लाइफ में, ये फिर से मुझे डिस्टर्ब ना कर दे, तो आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, इस वजह से ना आप थोड़ा सा इनसे कटती हुई नज़र आ रहे हो, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ आया है नहीं आया है आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, उनके प्रपोजल से भी आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, उनके मैसेज कॉल से भी, क्योंकि अब आपको ना कुछ और चीज़ ऐसी मिल गई है जिसके ऊपर आपका फोकस्ड हो गया, आपका गोल इस वक्त आप वहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहते। ये पर्सन आएगा, ऐसा भी नहीं है कि आप रिलेशन ख़त्म करोगे, बट इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे आप नज़र नहीं आ रहे हो। जब ये पर्सन लौट के आ रहा है आपकी तरफ, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है इतना, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और ये चीज़ आपको याद रहेगी कि ये फिर से आपका दिल तोड़ देंगे। यस बिल्कुल, प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे आप अपनी लाइफ का, जब ये पर्सन आके आपको कोई ऑफर दे रहा है उस वक्त आप प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे, आप वही करोगे जो आप अभी कर रहे हो, ये पर्सन अब आपको ना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कार रिवर्स में आ रहा है, देखिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहे हो मुझे इस पर्सन के लिए, कि आप इनको अभी दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो, आपको लगेगा कि नहीं अब अलग होके हमको पहले अपने अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो और आप अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे, आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो, उस पर्सन को ना चांस नहीं दे रहे हो, वो पर्सन जैसे कि चाह रहा हो कि आप उनको चांस दो, बट आपकी तरफ से वो चांस उनको नहीं दिया जा रहा, ये आप दोनों के बीच में होने वाला है। तो जब ये पर्सन वापस आएगा आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे और ये चाहेगा कि आप इनके साथ अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करो, पहले जैसे हो जाओ, जैसे पहले आप थे, इस पर्सन की ऐसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, बट आपको थोड़ा सा गुस्सा भी रहेगा कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये पर्सन नहीं चला, इन्होंने अपने डिसीजन लिए और बिना बोले आपकी लाइफ से निकल गए। अब ये पर्सन दोबारा से वापस आएगा तब आपको इनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, अगर आप एक्सेप्ट भी करोगे तो वो प्यार नहीं दे पाओगे जो आप पहले देते थे, कि सब कुछ भुला के आपने सब कुछ इनको दिया था, इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, बट इस पर्सन ने जैसे जैसे आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया,
अपने अपने आप को फिर से खड़ा किया। डिप्रेशन में जा सकते थे आप, लेकिन आप नहीं गए, आपने फिर से अपने आप को ग्रो किया, खड़े किया, अपने आप को खुश रखने की कोशिश की। और आप इस पर्सन के दोबारा उन बातों में नहीं आना चाहते हैं, ऐसा मुझे सिचुएशन आपके अंदर नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप ऐसा फेस करने वाले हो। तो यह है मेरी रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। होप गाइस आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।